नमस्कार, आप देख रहे हैं मघे आवाज। मैं हूं आपके साथ आरोह सिंह। आइए डालते एक नजर अब तक की बिहार की तमाम बड़ी खबरों पे। बिहार में शनिवार से मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 10 जिलों में अति भारी यानी बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक शनिवार को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया जिले में बहुत तेज बारिश होने की आशंका है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। शहर के शास्त्री नगर थाना परिसर स्थित क्वार्टर में ट्रैफिक एएसआई ललिता देवी के क्वार्टर में चोरी की गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। निगरानी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना स्थित गोला रोड, पटना जिले के ही दुलिम बाजार के एक और किशनगंज के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बिहार के नालंदा में आरजेडी के पूर्व विधायक पप्पू खान उर्फ नौशाद उन्नवी पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। जमीन हड़पने के मामले को लेकर दर्जनों की संख्या में पीड़ितों ने एसडीओ कुमार अनुराग को आवेदन सौंपा और इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले को लेकर लोगों का गुस्सा चरम पर है। आक्रोशित पीड़ितों ने हाथों में तख्तियां लेकर पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के लिए पूरे शहर में जमकर प्रदर्शन किया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के 3 जमाएं आईटी, ईडी और सीबीआई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने सीबीआई, ईडी और आईटी को केंद्र सरकार के लिए काम करने वाली एजेंसी करार दिया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर शनिवार को जोरदार हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर घोटाले में संलिप्त रहने के आरोप लगाए हैं। सिन्हा ने कहा कि 19 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें उल्लेख था कि बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016 से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में MKCL पुणे का चयन किया गया। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी जमुई को छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर से अभी उनके चाचा और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस सांसद हैं। मुजफ्फरपुर मनियारी पुलिस ने गुरुवार को भुजंगी चौक से लूट की साजिश रचते अंतर जिला गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टा, गोली, बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है। विष्णुपद मंदिर विवाद को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं गया पाल मंडा समाज के विरोध को जदयू नेता चंदन सिंह ने गलत ठहराया है। इसको लेकर पन्ना समाज में चंदन सिंह को लेकर नाराजगी है। जदयू नेता चंदन सिंह के पोस्टर पर काली पोत कर उनका विरोध किया गया है। बिहार के गया में जन वितरण प्रणाली के डीलर पर खागान मांगने पर लाभुकों के साथ मारपीट का मामला आया है। पीड़ित ग्रामीण शुक्रवार को मामले की शिकायत को लेकर गया डीएम के पास पहुंचे और लिखित शिकायत की। मामला जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत कोसमा और बगिया गांव का है। गया जिले में ईंट निर्माता संघ की बैठक में अगले महीने 8 सितम्बर को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देने का निर्णय लिया गया। संघ की गया में हुई बैठक में बिहार ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष मुरारी कुमार, मनु बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बिहार के भागलपुर में बुधवार अहले सुबह से अभी तक लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। लगभग 36 घंटे से टीम के रेड के से इलाके हड़कंप मचा हुआ है। इनकम टैक्स के तकरीबन 200 अधिकारी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। भागलपुर के नौगछिया कार्यपालक पदाधिकारी के सरकारी वाहन पर हमला किया गया है। कार्यपालक अभियंता सुमित्रा नंदन ने बताया कि एक युवक ने ईंट पत्थरों से उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में नगर परिषद कार्यपालक अभियंता बाल बाल बच गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अलग होने के 3 दिन बाद ही भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मैदान में उतर गई। बिहार के नालंदा जिले में जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने पूर्व विधायक पप्पू खान समेत अन्य पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी डीएम ऑफिस और एसडीओ कार्यालय पहुंचे और जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए आवेदन सौंपा। बिहार के नालंदा में छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला की बदमाशी ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने बताया कि 4 बदमाश उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। जब उसने विरोध किया तो महिला के साथ मारपीट की गई और दहशत फैलाने की इरादे से बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। बिहार के नालंदा में शिक्षक नियोजन बहाली को लेकर आपस में 2 गुट भिड़ गए। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना बिहार शरीफ स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का है। इस दौरान नियोजन कराने आए लोगों से विवाद हो गया, जिसके कारण नियोजन को रद्द कर दिया गया है। छपरा सारण जिले के इसुआपुर थाना क्षेत्र के रामपुर अटौली गांव के रिटायर्ड शिक्षक रामलाल मांझी के बेटे पवन कुमार मांझी की पिछले दिनों पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला।
रोहतास जिले के दरी गांव थाना क्षेत्र के बेलाडी सैफन के समीप एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सासाराम शहर के राजपूत कॉलोनी निवासी शिवधार सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। मृतक बिजली विभाग में ठेकेदार का काम करते थे। रोहतास के डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपी बीघा गांव गोलीबारी के बाद देर शाम की गई छापेमारी में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस बात की जानकारी देते हुए SP आशीष भारती ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डेहरी के गोपी बीघा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच काफी मारपीट और गोलीबारी की घटना घटित होने की संभावना है। भागलपुर में अभी तक की सबसे बड़ी छापेमारी पूरे शहर में आग की लपटों की तरह फैल गया है। बताते चले कि ये छापेमारी लगातार 70 घंटों से चल रहा है। भागलपुर के 25 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही थी, जिसमें कई खुलासे सामने आए हैं। अभी भी कई जगहों पर छापेमारी का दौर जारी है। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला से एक बड़ी खबर आ रही है कि जहां पुलिस जिला नौगछिया के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र NH 31 पर गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक 12 चक्के ट्रक को रंगरा ओपी पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पकड़ा है। पटना में एक बार फिर खूनी खेल देखा गया है, जहां खुशुपुर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर लोदीपुर गांव में बीती रात अपराधियों ने एक घर पर हमला कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें घर में रह रहे पति पत्नी अरुण सिंह और मंजू देवी की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद निगरानी ब्यूरो ने पहली बड़ी कार्रवाई ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के खिलाफ की है। निगरानी ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज में पदस्थापित कार्यपालक इंजीनियर संजय राय के ठिकानों पर छापा मारा है। बिहार की राजनीति की तस्वीर बदली हुई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विधानसभा में सख्त सटकर बैठे दिखे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ताने कस रहे हैं और तेजस्वी फ्रंट पर आकर CBI और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर चल रहा है। तब तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।